हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ न्यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं लोबिया चाट रेसिपी। और लोबिया को इंग्लिश में ब्लैक आई पीस भी बोलते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप इसको बना के खाते हैं तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसको किसी भी तरह बना के खा सकते हैं और इसको जो है लोबिया मसाला करी भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और तो चलिए बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है लोबिया और लोबिया को मैंने अच्छे से धो के और इसको मैंने भिगो दिया था रात में। आप इसको रात में भी भिगो सकते हैं और 4-5 घंटे भी भिगो सकते हैं। और भिगोने के बाद फिर इस तरह से देखिए भीग गया है ये। और अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए हमें क्या करना है, एक कुकर लेना है और उसके अंदर हम लोबिया को डाल देंगे और उसमें उतना ही पानी डालेंगे जितना लोबिया है हमारा। बहुत थोड़ा भीग मतलब भीग सा जाए तो आप देख सकते हैं मैंने कितना डाला है। और इसी में हमें ऐड करना है साल्ट, तो थोड़ा साल्ट ऐड करना है ताकि अच्छे से लोबिया के अंदर जाए तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरी लोबिया उबल गई हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह का होना चाहिए और ध्यान लेना है कि हमें 2 से 3 ही विसल देना है, नहीं तो हमारा जो लोबिया है वो ज़्यादा गल जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान देना है। अब हमने लिया है ये चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, यहाँ पे लिया है ऑनियन और जीरा और जिंजर ग्रेट करके ले लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे जीरा और उसके बाद हम जो जिंजर और मैंने चिली लिया है वो डाल देंगे। इसको भूनेंगे, फिर ऑनियन डाल के भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑनियन ऐड कर दिया है और हमें जो है इसको बहुत अधिक नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करना है अच्छे से थोड़ा सा। उसके बाद फिर हमें जो यहाँ पे आप टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं ऊपर से डालती हूँ। और यहाँ पे मेरी ऑनियन हो गई है और अब मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है लोबिया। तो लोबिया को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसको एकदम सिम पे ही हमको इसको थोड़ा देर के लिए भून लेना है जिससे कि हमारे टेस्ट अच्छा आएगा। और उसके बाद थोड़ा साल्ट और ऐड कर देंगे टेस्ट के अनुसार क्योंकि पहले हमने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर जीरा पाउडर यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ आमचूर पाउडर भी ऐड किया है। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छे से हिलाते हुए कर लिया है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छी है। और यहाँ पे चॉप किया हुआ मैंने धनिया को ऐड कर दिया है और उसके बाद हम फिर सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मेरी लोबिया रेडी हो गई है तो मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा लोबिया बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और इस तरह से आप ज़रूर बनाइए और खाइए, बहुत आपको बहुत पसंद आएगा। और करी रेसिपी लोबिया मसाला करी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी और वहाँ से आप करी रेसिपी देख सकते हैं। ऊपर से हमने यहाँ पे थोड़ा चॉप किया ऑनियन ऐड किया है, चॉप किया टोमेटो ऐड किया है और आप अंदर भी ऐड कर सकते हैं पर हम ऊपर से डालने से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पर आप धनिया की चटनी और उसका यूज कर सकते हैं, मीठी चटनी लेमन जूस का भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स फैमिली में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ़।